द जापानी सीक्रेट टू ग्रो योर हेयर एट अ रॉकेट स्पीड एंड ट्रीट बोल्डनेस फ्रॉम द फर्स्ट वीक ग्रो हेयर सुपर फास्ट। जी हाँ दोस्तों, आज हम राइस का इस्तेमाल करके हेयर ग्रोथ टोनर बनाने वाले, जिसकी वजह से आपके बालों की सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है या आपके DHT मेंटेन नहीं है, जिसकी वजह से आपके बाल थिन हो रहे, पतले हो रहे और काफ़ी टूट रहे, झड़ रहे और काफ़ी स्केल्प के अंदर डेंड्रफ जमा हो गया है, तो आज हम राइस का इस्तेमाल करके हेयर ग्रोथ टोनर बनाने वाले। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, एक सेकंड भी स्किप नहीं करना। सबसे पहले आपको स्टील का बाउल लेना है, उसके अंदर आपको 4 स्पून के करीब राइस ले लेना है। अगर आपके बालों की लंबाई ज़्यादा हो या आपको ज़्यादा बनाना है तो 8 स्पून भी ले सकते हो। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ 4 स्पून राइस ले लेना। सबसे पहले हम बात करेंगे राइस के फ़ायदे की। राइस के वाटर का इस्तेमाल करने से बाल टेंगल फ्री होते, बालों में साइन इंक्रीज होती है। अगर आपके बालों की लंबाई नहीं बढ़ती है तो उन केसेस में आप राइस का इस्तेमाल करोगे तो आपके बालों की लंबाई दुगनी तिगनी तेजी से बढ़ने लगेगी। तो यहाँ पर आपको एक स्टील के बाउल के अंदर 4 स्पून राइस ले लेना है। अब आपको इसके अंदर दूसरी चीज़ ऐड करना, वो है 1 स्पून के करीब क्लोव्स यानी कि लौंग को ऐड करना है। लौंग के हम फायदे की बात करें तो लौंग यानी कि क्लोव्स के अंदर विटामिन के बहुत ज़्यादा पाया गया है, जिससे आपको स्केल्प में डेंड्रफ हो गई है या काफ़ी खुजली आती है, जिसकी वजह से आपके बाल टूट रहे, झड़ रहे, आपको स्केल्प में ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपके बाल दिन ब दिन पतले होते जा रहे, तो उनके लिए क्लोव्स फ़ायदेमंद होगी। तो यहाँ पर 1 स्पून राइस के अंदर क्लोव्स को ऐड कर देना है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर वाटर ऐड करना है। वाटर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से बॉईल करना है, बिल्कुल अच्छे से पक जाए। जब ये ठंडा हो तब इसको छन्नी पर रख के या कॉटन के कपड़े पर रख के छान लेना है, इसका एक्सट्रैक्ट निकाल लेना है। बात करें जो हमने राइस और क्लोव्स को मिक्स करके जो इसका वाटर एक्सट्रैक्ट निकाला है, इसको यूज़ किस तरीके से करना है, इसे आपको ओवरनाइट के लिए ही यूज़ करना है, तभी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और डेली यूज़ करना है, एक भी दिन आपको छोड़ना नहीं है। आपको कम से कम 30 दिन तक इस वाटर का इस्तेमाल करना है स्केल पर पूरी रात भर के लिए, और सुबह आपको नॉर्मल वाटर से आप शैम्पू भी कर सकते हो। इस तरीके से आपको डेली यूज़ करना है बेस्ट रिजल्ट के लिए। इससे आपके बालों की सभी प्रॉब्लम दूर होगी और आपके बालों की ग्रोथ बढ़ेगी और बाल टूटना झड़ना भी कम होने लगेंगे।